बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। 5 बार MP बने, आपको 5 पेंशन मिलेगी, वहां किसी को तकलीफ नहीं होती पैसे देने, कोई कटिंग क्यों नहीं हो रही? नहीं, अब देखिए, ये तो आप सवाल पॉलिटिशियंस की तरफ करें, मेरा केवल सरोकार इससे है कि हमारे देश की फौज सशक्त रहे, मोटिवेटेड रहे टू फाइट। अगर उनके मन में ये कुड़कुड़ कि हमको गेटिंग, वी आर गेटिंग अ रॉ डील, वो आ भी जाए मजबूरी में, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो आ भी जाए फौज में, तो कितना वो उसका मनोबल का क्या हाल होगा, वो कितने जोश से लड़ेगा। एक लड़का जिसको पता है कि मैं अपने 3rd साल में हूं, 4th साल में मैं घर जा रहा हूं, लड़ाई हो जाती है, कितना वो आगे बढ़ेगा, कितना वो गोली खाने के लिए उत्सुक होगा। जब खासकर आपने दूसरा प्रावधान ये किया है कि अगर अग्निवीर मले तो कोई हम उसको ना पेंशन देंगे, ना उसको फैमिली को कोई पेंशन देंगे, उसको कोई मेडिकल बेनिफिट, CHD कैंटीन बेनिफिट, कुछ नहीं। और फिर जाके कोई स्पोक्समैन पार्टियों के टीवी पे कहते हैं उसको पता था, क्यों आया बेवकूफ, अब ये हाल हो गया है, क्यों आया बेवकूफ फौज के अंदर मरने, उसको पता था मरने पे कि ठेंगा देंगे, ठेंगा। जब हम शपथ ग्रहण करते हैं तो कहते हैं मुझे समुद्र से, हवाई मार्ग से, लैंड से, जहां भी भेजा जाए मैं जाऊंगा, मैं अपने सीनियर अफसर की आदेश का पालन करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान गंवानी पड़े। इन रिटर्न देश उसको कहता है, डेमोक्रेसी उसको कहती है कि बेटा अपने कंधे के ऊपर मत झाको, फिक्र मत करो अपने परिवार की, तुम लड़ो, देश के लिए लड़ो, मर जाना चाहे, मर जाना पड़े तो प्राण त्याग दो, हम तुम्हारे फैमिली का ख्याल रखेंगे, डोंट वरी, दिस इज अ कॉमनेंट। अब आप कह रहे हैं कि साहब पैसा बहुत लग रहा है, बाहर ना जाए, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, मर गया तो मर गया, तेरे को पता था, हमने तेरे को कहा था हम तेरे को कुछ नहीं देंगे, ठेंगा देंगे, फिर भी तो आया, तो आप क्या, आप संकेत क्या दे रहे हैं जवानों को कि तुम बेवकूफ हो अगर तुम फौज में जाते हो? इज दिस द मैसेज टू सेंड? यू मे नॉट इंटेंड इट। आप बोले नहीं साहब, हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए, हम उनको कह रहे हैं कि आप बिजनेसमैन बन सकते हो, अगर उसको बिजनेसमैन बनता था वो फौज में क्यों आता? ये जो फीलिंग आ गई है वहां पे, वो पहले कोशिश करेगा पुलिस के लिए, CRASF, CRPF, DSF के लिए, जब नहीं होता तो जो रिजेक्ट माल है वो फौज के पास आएगा। इज दैट गुड फॉर द कंट्री? हमको टर्फ वॉर में नहीं आना चाहिए। आपने CRPF, BSF, ITBP, CISF किसी पे अग्निवीर स्कीम नहीं लागू करी, हमें बताया गया कि उन्होंने साफ मना कर दिया और आपने मान लिया, सरकार ने मान लिया, हाँ भाई इनको नहीं चाहिए, हाँ ये फौज को लगा दो, ये हुकुम मानने के पैर बाध्य हैं तो इन पे लगा दी जाए, कोई ना नहीं करेगा, हुकुम आदेश का पालन करेंगे, ये तो प्रथा है फौज की, तो हमने पालन किया है। लेकिन साहब अब कष्ट हो रहा है, और अगर नहीं दिख रहा तो बहुत ये गंभीर सवाल हो जाएगा। आप देख रहे हैं मैन पावर काटने का क्या नुकसान है। हमारी फौज में भी एक तबका है, और हमारी ब्यूरोक्रेसी और अकाउंटेंट्स में एक और बड़ा तबका है कि भारत की फौज जरूरत से ज्यादा बड़ी है, बेवजह तनख्वाह खा रहे हैं सिपाही, इनको घर भेजना चाहिए, ये फौज की नफरी कम करनी चाहिए। ये एक अजीबो गरीब सिद्धांत है, मेरे को तो आज तक इसकी समझ नहीं आई, ये बेसिर पैर बेतुका सिद्धांत है, क्योंकि इससे देश का नुकसान हो सकता है। कैसे? आप बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन, कैसे? कोविड के दौरान क्या आप जानती हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, कि हमारी फौज में सब भर्ती बंद कर दी गई इस बिना पर कि साहब हम इन्फेक्शन फौज में नहीं लाना चाहते, हम फौज को बीमार नहीं करना चाहते, गुड। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर होते हैं, 3 साल फौज रिटायर नहीं, फौज में कोई भर्ती नहीं हुई, 3 साल, यानी 60 × 3, 60 × 3, 1,80,000 से भारतीय फौज की नफरी आपने बगैर कुछ किए आपने कम कर दी। कि साहब फौज की क्या जरूरत, फालतू हमको थूक लगा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, मरी जा रही, अरे ये क्या, मुझे तो ये कुछ तुक समझ नहीं आया। देखिए साहब, आपकी तमाम लड़ाई पहाड़ों में, चीन के खिलाफ आपको ऊंचे पहाड़ों में लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान के बरखिलाफ आपको कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लड़ना पड़ेगा, POK में लड़ना पड़ेगा, वो सब आए, वो कई एल्टीट्यूड एरिया, हिली फॉरेस्टेड एरिया, जहां की ट्रूप्स, वो कहते हैं माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स, खा जाते हैं, कि कहां गए बंदे पता नहीं चलता।
जमीन पे आपको मैदान में हमला करना है तो आपको सुपीरियरिटी चाहिए 1:3, पहाड़ में हमला करना है सुपीरियरिटी चाहिए 10:1, यानी एक आदमी को निकालने के लिए 10 बंदे चाहिए यहां। ऐसे माहौल में कि अमेरिका ट्रूप्स कम कर रहा है, अमेरिका कितने तेज दिमाग के हैं, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ही बेवकूफ हैं जो सिपाहियों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। भी टेक्नोलॉजी हो, आपको मैन पावर चाहिए, नहीं तो आप पिटोगे। आप अपना खाली करना शुरू करो एरिया तो दुश्मन उसका फायदा नहीं उठाएगा, वो दुश्मन ने फायदा उठाया है। और अगर आपने अब हम ट्रूप डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, कैसे, जो ट्रूप्स फील्ड एरिया से आए, जो पी स्टेशन में रेस्ट करने आए, उनको उठा के वापस झोंक दो, कि कॉस्ट बहुत लग रहा है, वो बहुत मैन पावर पे खर्चा, कुछ हद तक सही भी है। हमारा जो पे का बिल है वो है 1,06,000 करोड़ हमारी तीनों सेनाओं का, और जो हमारा पेंशन का बिल है वो है 1,11,000 करोड़। तो बड़ा सिंपल बात है, मैथमेटिक्स है, कि कब तक आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। आपको कोई स्कीम लानी पड़ेगी जिसमें पेंशन का बिल कम हो, ठीक है, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि ऑपरेशनल इफेक्ट क्या होगा। ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस भी एक पैरामीटर है, केवल पैसे काटना अगर होता तो अकाउंटेंट को आप लगा देते, ऑडिटर को लगा देते, बोले आर्मी चीफ ऑडिटर बनेगा, क्योंकि उसको पैसा काटना आता है। तो पैसा तो आप काट लीजिए साहब, बट डिफेंस डजंट कम चीप। हम 1.9% से कम जीडीपी का परसेंटेज अपना डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं। युवा फौज में नहीं जाना चाहते, तो ये तो आपने फौज का नुकसान किया ना। आपने फौज को पॉपुलराइज करने के बजाय, अच्छा एक कैरियर ऑप्शन बनाने के बजाय, तो उसका भट्टा बिठा दिया है कि साहब अब लोग आना ही नहीं चाहते। नेपाल ने मना कर दिया, हम नहीं भेजेंगे साहब अग्निवीर, अग्निवीर 4 महीने के लिए नहीं, 4 साल के लिए हमें नहीं चाहिए। देखिए मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आज आप हरियाणा में, गांव में, आपकी हरियाणा की चैनल है, आप गांव में एक युवक या युवती हैं, आप गांव में युवक हैं, क्या आप हरियाणा की पुलिस में जाना चाहेंगे, जहां एक बार आप आ गए तो 58 साल तक नौकरी करेंगे, CRPF, CISF, BSF, ITBP, आप जाएं 58 साल तक आपका करियर अशोर्ड, ठीक है साहब। आप फौज में जाएं तो 4 साल के बाद आपको पता नहीं कि आप किधर होंगे, क्या कर रहे होंगे, कौन जाएगा, अब मुझे बताइए। इनका आर्गुमेंट क्या है, बकवास करते हैं आप, देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं क्योंकि इस देश में नौकरियों की भारी किल्लत है। आप एक स्वीपर की पोस्ट और एडवर्टाइज करें सरकार की, आज PhD वाले वहां चले जाएंगे डिग्री लेके। पाकिस्तान ने कोई अग्निवीर स्कीम नहीं करी, पाकिस्तान ने कुछ ऐसा नहीं किया, पर टीचर इकोनॉमी है, मरे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिसी ये जो अग्निवीर स्कीम है, इसको बहुत जल्दबाजी में, मेरा व्यक्तिगत मेरी ओपिनियन है कि बहुत जल्दबाजी में किया गया। नॉर्मली इतने बड़े बदलाव के पहले एक पायलट स्कीम ट्राई आउट की जाती, ट्रायल किया जाता है, आप घोड़े पर चढ़ के थोड़ी ना, ये बदल दो, बदल दो, बदल दो। इसी मैं कहना ही चाहता हूं कि देखिए, आर्मी वॉज वन इंस्टीट्यूशन विच वॉज डिलीवरिंग, बताइए कौन सी लड़ाई हारी। तो अंग्रेजी में कहावत है, इफ इट एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट, अगर कोई चीज टूटी नहीं है उसको रिपेयर मत शुरू कर दीजिए। आपने पुलिस में आपको कोई रिफॉर्म की जरूरत नहीं लगी, ना IAS में, ना बाकी सर्विसेज में, केवल एक फौज के पीछे हाथ धो के सब लोग पड़ गए हैं, इसको चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। क्या आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये हमने 10 लड़ाइयां हारी, अब चेंज की बड़ी जरूरत है। और चेंज वो लोग करें जिनको कुछ पता है ना फौज के बारे में, लेकिन अब हर कोई एक्सपर्ट बन रहा है।